हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए फिर आपके लिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन नंबर लेके। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्या पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग जान चुके हैं। तो आज हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए हम इसको आपको समझाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे संकेत भी दिया हुआ है, संकेत को हमेशा ध्यान से पढ़े ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि संकेत में ही आपका आंसर छिपा हुआ रहता है। तो इसे ध्यान से पढ़े। यह मान लीजिए एक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिए, अब चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 4। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो क्वेश्चन में पूछा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाने के लिए। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है ताकि याद रहे कि हम लोगों को ये क्वेश्चन जो है किस चीज से बनाना है, इस वाले फॉर्मूले से बनाना है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को पता है कि क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 3m+1, तो हम लोग b को 3 मान सकते हैं, ठीक है, b को हम लोग 3 मान सकते हैं यहाँ पे। तो किस तरह से लिखे यहाँ पे, a इक्वल टू 3, ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q+r, ताकि आसानी हो। तो अगर हम लोग ऐसे समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो साइड में हम आपको करके बताते हैं कैसे करना है। यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 को अगर a को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारा भागफल क्या आएगा, q आएगा, और जो हमारा शेषफल है r आ जाता है, ठीक है। तो ये q ऑलरेडी हो गया, ये हमारा क्या है भाजक, 3 हमारा हो गया भाजक, a हमारा हो जाता है भाज्य, और ये जो q है भागफल है, और जो r है शेषफल, ठीक है। ये बनाने का मतलब ये है कि इससे क्या होता है कि आपको आसानी होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो r आया है हमारा, यहाँ तो नंबर है, यहाँ पे बाकी सारा जो a q है यहाँ पे, लेकिन नंबर है। तो अगर हमारा संभव क्या हो सकता है, अगर हम r को मान लें तो 3 से कम ही आएगा, तो अगर r हम मानते हैं तो हमारे पास r क्या क्या आ सकता है, 0, 1 और 2, ठीक है। तो r को हम लोग 0, 1 और 2 के रूप में मानकर चलते हैं। यहाँ फॉर्मूला याद रखने के लिए यहाँ पे लिखते रहे हम, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, जब हम लोग r को 0 मानते हैं तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं, जब स्थिति 1 लेके चलते हैं, ठीक है, इसको स्थिति 1 से हम दर्शा सकते हैं। स्थिति 1 में जब r 0 हो, ठीक है, r 0 हो, जैसे कि आप हम लोग निकाले हैं 0, 1, 2, तो तीनों निकाल कर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग 0 निकाल कर देखेंगे, जब r हमारा 0 होगा तो किस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या माने थे,
क्यू प्लस आर माने हुए, तो ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर को भी क्या माना गया है फर्स्ट वाले चरण में, जीरो। तो यहां पे क्या क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में पूछा था कि इसका वर्ग निकालना है, वर्ग माने स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो थ्री क्यू को जीरो से अगर करते हैं तो थ्री क्यू ही हो जाता है, तो इसको वर्ग इसका भी निकालेंगे और यहाँ भी वर्ग निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से सो करेंगे इसको, तो अगर a का वर्ग निकालेंगे तो a ही होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है हमारे पास, नाइन क्यू स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट नहीं देंगे क्योंकि ये निकाला हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर जो है थ्री इंटू थ्री क्यू से ले सकते हैं इसको, इस तरीके से उसको तोड़ के लिख सकते हैं, थ्री इंटू थ्री क्यू, जहां यहां लिख लेते हैं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं थ्री क्यू स्क्वायर जो निकाले हैं इसको हम लोग m मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देंगे, जहां जहां m जो है यह एक दिख नहीं रहा होगा इसलिए यहां पर लिख देता, जहां m इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर, यह एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से ले लेंगे, 3m, क्योंकि 3 हमारा यहां पे था 3, ठीक है, और यहां इसको m माना गया है, ये तो 3 हमारे पास था ही, ये 3 हमारे पास पहले से था और इसको हम लोग क्या मान लिए, m मान लिए हैं, तो यहां पे क्या लिख देंगे, 3m। जीरो वाले से हमारा क्या आया है, 3m आया है। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, स्थिति 2 में हम लोग r को क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, जब हम लोग r को 1 मानते हैं, ठीक है, स्थिति 2, जब r इक्वल टू 1 मान के चल रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, a इक्वल टू 3q प्लस r, क्योंकि इसको हम लोग क्या माने हैं, r के पास हम लोग क्या मानेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस r का वैल्यू है 1, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां वर्ग निकालने बोला है तो उसी तरह यहां पे a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का वर्ग। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पे दिखाएंगे आपको किस तरह से करना है। जब किसी का वर्ग निकाला जाता है तो क्या किया जाता है, उसी को उससे गुणा किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका वर्ग निकालेंगे तो इसको 3q प्लस 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस तरीके से यहां करके दिखा सकते हैं, 3q प्लस 1 यहां हमारा आ गया 9q स्क्वायर प्लस 3q, फिर आता है 3q प्लस 1, 9q स्क्वायर प्लस दोनों को जोड़ के 6q प्लस 1, इस तरीके से हमारा आ गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है यहाँ पे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको यहां पे कैसे लिख सकते, 3 इस वाले चीज का हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है,
नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू प्लस वन का क्या करते हैं, थ्री से हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो हमारा थ्री बाहर जाएगा, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू प्लस वन, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जहां m, अब हम लोग इसको क्या, इसको हम लोग m मान सकते हैं, मान इसको m मानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जहां पे ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, जहां m इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, थ्री एम प्लस वन, क्योंकि थ्री यहां पे थ्री है, इसको m मान लिया गया, तो m प्लस वन, तो हमारा ये r को वन मानने के बाद भी हमारा क्या आ गया, अब वो ये थ्री एम प्लस वन, तो अब हम लोग r को क्या मान के चलेंगे, टू मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब उसको मानने से क्या होता है ये देखते हैं, स्थिति टू, स्थिति टू तक हमारा हो गया, स्थिति थ्री में क्या है, r हम लोग किसको मान रहे हैं, टू को, क्योंकि हमारे पास क्या क्या था, उसका संभव क्या निकला था, जीरो वन टू, तो इसीलिए जीरो और वन तक निकल गया, अब वन, अब टू का बारी, ठीक है। तो r हम लोग मान लेते हैं, जब स्थिति थ्री में, जब r टू हो तो क्या करेंगे, तो पहले से हमारे पास क्या था, पहले से हमारे पास था a थ्री क्यू प्लस r, तो r हमने टू को माने हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं थ्री क्यू प्लस टू, तो इसका वर्ग निकालना था, ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी इसी तरह से करना है, प्लस टू इसका भी निकालेंगे वर्ग, इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइड में हम करके देख लेते हैं, थ्री क्यू प्लस टू, थ्री क्यू प्लस टू, नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू प्लस सिक्स क्यू प्लस फोर, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, नाइन क्यू स्क्वायर प्लस बारह क्यू प्लस फोर, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे ए का वैल्यू निकल गया ए स्क्वायर का, इसको निकालने के बाद क्या है हमारे पास, नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस फोर, तो अब हम लोग इसका भी कॉमन निकालेंगे, क्योंकि अगर ये निकल जा रहा है कॉमन तो क्या प्रॉब्लम है, अगर ये कट जा रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा करने से क्या होता है, आसानी होता है। और तो ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री कॉमन ले लिए, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन, जहां अब उसी तरह इसको हम लोग क्या कर लेंगे, m मान के चलेंगे, ठीक है, जो ब्रैकेट में है इसको हम लोग m मान लेंगे, जहां m इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थ्री एम प्लस वन, यहां भी आ गया थ्री एम प्लस वन आ गया, ठीक है। तो ये स्थिति टू तक का, स्थिति थ्री तक का हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब तो हमारे पास है नहीं आर का मान, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m प्लस वन के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आज का सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर जरूर करें। धन्यवाद।